हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली फोटोग्राफी वीडियो आ गई है। हमने काफी टाइम से फोटोग्राफी वीडियो बनाई नहीं है यार। लास्ट दिवाली बनाई थी मेरे को लग रहा है, बट एनीवेज वी आर बैक विद इट। एंड तुम्हें पता है कि दिवाली फोटोज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या वो फ्लावर्स है, डेकोरेशन, लाइट्स, दियास? नो, सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन वेयर आउटफिट। बट What if you don't have it? यही आज का चैलेंज है यार। अगर हमारे पास वेस्टर्न आउटफिट्स है उसको हम कैसे इस तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं, इंडियन वेयर बना सकते हैं एंड कैसे मस्त फोटोज ले सकते हैं, वो आज हम करेंगे। बट क्या हम कर पाएंगे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा फर्स्ट आउटफिट इज दिस। कुछ ज्यादा ही फैंसी नहीं लग रहा? देखो यही होता है, तुम डेकोरेशन कितनी कर लो लेकिन अगर तुम्हारा आउटफिट एप्रोप्रिएट नहीं है ना, दिवाली फील नहीं आने वाली। बट डोंट यू गाइस वरी, इस ड्रेस का जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको मैं ब्लाउज की तरह यूज करने की सोच रही हूँ। मेरे पास एक और ड्रेस है, हाँ मैं इसके ऊपर नहीं पहनूंगी इसको। आई एम थिंकिंग की लाइक बहुत ही प्यारा रेड सैटनी सा मटीरियल है ना इस ड्रेस का, तो आई कैन वेयर इट एज अ दुपट्टा या फिर साड़ी। ओ या वी कैन डू दैट। एक सेकेंड, हल्का हल्का सा ऐसे प्लीट देके दैट कैन वर्क। बाल मैंने ना ऐसे नॉर्मल से ही बनाया, देखना मतलब पीछे सब कुछ मैस हो रखा है, हल्का सा ऐसे बन है एंड आई एम रेडी। मैंने अपने इयर रिंग्स थोड़े नॉर्मल वाले ही रखे हैं, हाथ में ऐसे मेरे को कंगन मिल गया तो मैंने ये पहन लिया, अदरवाइज यू कैन वेयर अ वॉच ऑल्सो। आई एम थिंकिंग हल्का हल्का सा ऐसे प्लीट्स देके एंड बाकी ऐसे फॉल जा सकता है, वो बहुत ही प्यारा लगेगा। फाइनली मेरी प्लीटिंग डन हो गई है। बार बार ना गिर रहा था तो उसको ऐसे पकड़ने के लिए मैंने नीचे बेल्ट भी पहनी है जो कि छुप गई है, विच इज़ ओके। एंड थोड़ा सा यहाँ पे भी इसको अटैच कर लिया क्योंकि व्हाइट पार्ट दिख रहा था, वो साड़ी नहीं लग रही थी तो नीचे भी रेड दिखना चाहिए ना, तो थोड़ा सा मैंने अटैच कर लिया एंड पर्ल चोकर एंड दैट्स इट, लेट्स पोज। सो आई एम थिंकिंग कि थोड़ा तो ऐसे साड़ी वाले की तरफ पोज करना चाहिए हमें, कि ऐसे पकड़ लिया या ऐसे कर लिया, यू नो लाइक पता चले कि मैंने साड़ी पहनी हुई जो कि मैंने नहीं पहनी हुई है, बट स्टिल। एंड हम ना थोड़ा ट्राई करेंगे कि कैंडिड शॉट्स हो, ज़्यादा पोजी ना लगे क्योंकि वो नेचुरल फील तो बहुत ही ज़्यादा वाली प्यारी लगती है, स्पेशली फेस्टिव फोटोज़ में। तो जैसे थोड़े बाल पीछे कर लिए, थोड़ा ऐसे हंस लिया, थोड़ा उधर देखा, डायरेक्ट कैमरा में ना भी देखते हुए ऐसे नीचे देख लिया, ऐसे शर्माने वाला, लाइक बेसिक बेसिक सिंपल ऐसे बॉलीवुड चीजी वाले फोटोज़ भी होते, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं जो भी ऐसे नेचुरल आए बॉडी मूवमेंट्स के साथ। These are the photos we got, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे festive और प्लस क्लासी भी लग रही है, बहुत ही अच्छी फील आ रही है। एंड मैं इसमें ना तुम्हें एडिटिंग नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैनल पे बहुत ज़्यादा वाली एडिटिंग वीडियोस बना रखी है, मेरी एडिटिंग मोस्टली सिमिलर ही है, तो एवरीथिंग इज लिंक डाउन बिलो। एंड अभी नेक्स्ट फोटो लेते हैं। नेक्स्ट हम एक फैशन हैक करेंगे। मैंने ये स्कर्ट को एज अ टॉप तो पहन लिया लेकिन ये बहुत बड़ा है एंड मैं चाहती हूँ कि ब्लाउज जैसा फील आए, तो इसको क्रॉप करने के लिए ये वाला बहुत ही कॉमन वाला हैक है, आई गेस तुमने देखा होगा इसे इंटरनेट पे। हल्की सी बस नॉट बांधी ऐसे थ्रेड से, इसे पीछे ले गए, बन गया हमारा क्रॉप टॉप। एंड स्कर्ट के लिए आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, चद्दर, घर की बेडशीट, इसमें इतने मस्त ऐसे फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है ना, रोज एंड ऑल, तो आई गेस ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ऐसे नहीं लग रहा बट अभी लगेगा, रुको। तो ये बेडशीट का हम बनाने वाले लहंगा। आई एम थिंकिंग कि हम ना ऐसे सिटिंग पोज एंड सिटिंग शॉट लेंगे यहाँ पे, तो ऐसे फ्लेयर ना बहुत ही अच्छा आएगा। एक सेकेंड, मैं बिल्कुल ही फनी लग रही हूँ पीछे से, पर इट्स ओके, यही तो जुगाड़ है। हम ऐसे बैठेंगे तो ये बहुत ही मस्त ऐसे फैल जाएगा। एंड ओ, दुपट्टे की कमी है, ओके हम ऐसे चांद वाली पहन सकते हैं एंड ऐसे मांग टीका। अगर नॉर्मल ज्वेलरी है ना, लाइक नॉर्मल इयर रिंग्स जो होते हैं, तो हम उसको भी ऐसे माथे पे लगा सकते हो, वो ऐसे ही फील देने वाला है। लेट्स डू इट, सो एक्साइटेड। हमारा आउटफिट है तैयार। ये ना मेरा लहंगा, मेरा ब्लाउज, ज्वेलरी तो हमने कर ही लिया। एंड दुपट्टे के लिए मेरे पास जो ये वाइट पैंट्स है ना, तो ये पार्ट जाएगा पीछे एंड एक लेग का हम बनाएंगे दुपट्टा। रेडी, सस्ता जुगाड़, आई एम ऑलवेज अप फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ लेट्स जस्ट पोज। एक सेकेंड, ये फिसल रहा है। तो इसमें पोजिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल रहेगी। देखो शर्माने वाला तो हर किसी आउटफिट के साथ जाता है, बट इसमें जैसे इसको लहंगा पोर्ट्रे करना है तो थोड़ा सा पकड़ सकते हैं एंड पैर थोड़ा सा ट्राइंगल बना सकते हैं, तो थोड़ा एलोंगेटेड फोटो आती है, लंबे लगते हैं फोटोज में, वो अच्छा लगता है। एंड जस्ट Smile is the prettiest accessory you have. Use it. Confident लगते हो बहुत ज़्यादा। पता नहीं चलता कि हमने स्कर्ट की लहंगा बना रखी अगर तुम स्माइल करोगे तो। तो इस बार हमने ऐसे स्ट्रेट कैमरा ना रखते हुए थोड़ा सा टॉप एंगल लेने की ट्राई की है एंड वो फेस्टिविटीज़ में ना बहुत ही मस्त लगता है, स्पेशली अगर तुमने ऐसे अनारकली या फिर लहंगा या फिर स्कर्ट कुछ पहना हुआ है ना, वो दिखाने में एंड थोड़ा सा यू नो पोजी भी आ जाता है उस वजह से, अगर नीचे बैठ के फोटो लो टॉप एंगल में तो। एंड बहुत ज़्यादा वाली अच्छी फोटोज आई है बट टॉप
फेवरेट मेरी ये रहेंगी यार, मतलब आ रही है वो थोड़ी सी फेस्टिव फील एंड ज़्यादा पता नहीं चल रहा कि ये बेडशीट है, मतलब वी कैन एक्सपेरिमेंट लाइक जो अलग अलग फैब्रिक नहीं होते लाइक सैटिन हो गया या फिर मैश वाला मटेरियल हो गया, तो उससे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लहंगा बनाने के लिए, व्हाई नॉट, एंड आई जस्ट लव दैट। वन्नी यार हेल्प कर, इतना भारी लहंगा है ये द फेक वन, अभी हम दूसरे आउटफिट की तैयारी करते हैं, पीछे से मत देखो। ओह गॉड इट्स अ मेस, बाय। जितने भी तुम्हारे पास सीक्वेंड या फिर शाइनी कपड़े हैं ना वो सब बाहर निकाल लो, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। तो मैंने ये बिल्कुल ही शिमी शिमी ड्रेस पहन ली है एंड इसको मैं सोच रही हूँ कि ऊपर से हम ऐसे सूट वाली फील दे सकते हैं विद अ दुपट्टा, जो कि इस बार मैं सोच रही हूँ कि हम हेड पे लेंगे। तो उसके लिए मेरे पास ये मैश स्कर्ट है, तो उसका जो ये नेट वाला पार्ट है ना ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को प्रिटी लगा। एक सेकेंड ये अटक गया। तो इसको ऐसे करके कुछ हम ऐसे लाइट्स एंड फ्लावर्स के साथ यू नो फोटो ले सकते हैं लाइक दिस, कुछ ऐसे शर्माना अगेन। और यू कैन गो बोल्ड ऑल्सो, मतलब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें फील कैसी चाहिए फोटो की, ये कंगन अड़ रहे हैं मेरे इसमें, इसे हटा देते हैं। या फिर तुम अपनी डेकोरेशन के पास सिंपली खड़े भी हो सकते हो एंड जस्ट डोंट लुक इन टू द कैमरा, इधर उधर देख सकते हो कहीं लाइक दिस दिस, या फिर इन्हें ऐसे सजा भी सकते हो, ऐसे पकड़ सकते हो, कुछ कुछ कर सकते हो, रैंडम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, जो कि अगर रियल में कोई तुम्हें ऐसे पोज करते हुए देखे तो तुम फनी लगोगे, बट फोटोज में बहुत ही वर्स लगेगा ऐसे वाले पोजेस लाइक दिस, कवर योर फेस, आँख दिख रही है सर, वो भी बहुत एस्थेटिक लगता है। ये वाली दिवाली टाइम वाइब तो आ रही है बट इन अ डिफरेंट इन अ हटके हुए, तो हमने लाइक हमारे पास ये प्रॉप तो ऊपर रखा ही था लाइट वगैरह का, तो इसमें अगर तुम्हें सीधी फोटो भी लेनी है ना तो थोड़ा एंगल देखना पड़ता है कि यहाँ से ले या यहाँ से ले, तो हमने थोड़ा ऐसे वाला एंगल चूज किया था, पीछे हल्का फुल्का इफेक्ट आ रहा था बट ओवरऑल जो ये शाइन वगैरह है ना इसकी ज़्यादा बात ही, क्योंकि ब्लिंग वगैरह बहुत ही अच्छा लगता है एंड बहुत ज़्यादा वाले ऑप्शन मैंने यू नो सेलेक्ट करे हैं, बट अगेन टॉप वाले मेरे ये वाले रहेंगे यार, ये ऐसा लगता है कि मैंने मॉडलिंग क्यों नहीं की, अपनी ही तारीफ। नेक्स्ट है मेरे पास एक ब्लिंगी रैप ऑन स्कर्ट, लेकिन इसको हम स्कर्ट की तरह तो पहनने वाले हैं नहीं क्योंकि वी आर ऑन सोडियस चैनल। एक सेकंड मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई बोलते बोलते, इसको मैं सोच रही हूँ कि ऐसे लाइक हाफ केप वाला जो ब्लाउज नहीं आता बहुत ज़्यादा इसी मटीरियल में, तो हम वो जुगाड़ से बना लेते हैं ऐसे पहन के। चलो वी आर रेडी। नीचे आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग वायर क्योंकि इस बार हम डिफरेंट एंगल ऑफ फोटो ट्राई करेंगे, सो आई एम थिंकिंग कि सेटअप का फ़ायदा उठाते हैं जो भी लाइट्स वगैरह पीछे डेकोरेशन है एंड ऐसे लो एंगल ले सकते हैं तो डेकोरेशन भी दिखेगा, मेरा सिर्फ टॉप पार्ट ही दिखेगा एंड अगेन यू कैन पोज वेरी कम्फर्टेबली, लाइक जो भी तुम कम्फर्टेबल हो ना वही करना चाहिए, अदरवाइज वो फेस पर दिखता है कि तुम्हें ना फोर्स कर रहा है कोई एंड वो थोड़ा फेक लगता है, वो वाइब नहीं आ पाती, तो जो भी कम्फर्टेबल हो या फिर जस्ट स्माइल कर दो एंड वो बहुत प्रिटी लगने वाला। प्यारी कैंडल्स रख गई है, फैमिली लग रही है ये जो कि मेरे साथ रहेगी हमेशा के लिए। इतने ज़्यादा वाले ऑप्शंस मेरे को अच्छे लगे अगेन इस वाली फोटो में, मतलब मैं खुद भी सरप्राइज हो रही हूँ कि अच्छा ये ऐसे निकल के आ गई है, थैंक गॉड मैंने ये ट्राई किया एंड मैंने इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोजिंग ट्राई की, मैंने लाइक कैंडल भी एक बार हाथ में पकड़ ली थी तो उससे भी ट्राई किया, वो भी बहुत अच्छे शॉट्स आए हैं, या फिर तुमने ऐसे आउटफिट को भी ऐसे पकड़ सकते हो, लाइक बहुत चीज़ें कर सकते हो एंड डिफरेंट डिफरेंट पोजिंग ट्राई कर सकते हो, बहुत मस्त फोटोज आई है यार, आई रियली लव ईच एंड एवरी वन ऑफ देम एंड आई होप कि तुम्हें भी कुछ आइडियाज़ मिले होंगे ना, तुम्हारे भी क्रिएटिव जूसेस रन कर रहे होंगे एंड अगर तुम इन्हें ट्राई भी करोगे ना तो प्लीज़ शेयर देम विद मी ऑन इंस्टाग्राम, या तो टैग कर दो या फिर हैशटैग यूज़ करो सोनियंस रिक्रिएट एंड आई वुड लव टू चेक देम आउट, आई वुड लव टू रीपोस्ट देम ऑन माई पेज एंड लेट्स जस्ट ग्रो टुगेदर एंड आई होप यू हैड फन इन टुडेज़ वीडियो, इफ यू एंजॉयड वॉचिंग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, हैप्पी दिवाली एडवांस, बाय।